कलेक्शन शेयर करूंगी क्योंकि दुर्गा पूजा आने ही वाला है। मैं बाहर तो नहीं जाऊंगी शायद, लेकिन मैंने बहुत सारा इयररिंग परचेस कर लिया है क्योंकि मुझे इयररिंग्स पहनना बहुत ही पसंद है। आई होप आप लोगों को भी पसंद है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहली जो सीरीज़ के मेकअप ट्यूटोरियल है आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के पास एक छोटा सा रेड कलर का एक सब्सक्राइबर बटन है, उसे प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ परचेज कर लिया है और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड आए तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि आज पंचमी है और दुर्गा पूजा के लिए थोड़ा बहुत शोर है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो फर्स्टली जो इयररिंग मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये 1, 2, 3, 4 लेयर का है और मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे फुल कलेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा ये इयररिंग पसंद आया और मुझे बहुत ही पसंद आया। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे रेड कलर का बीट्स दिया है, मोती दिया हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको मैंने लोकट मार्केट से परचेस किया है सिर्फ 120 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव, इतना खूबसूरत इयररिंग, माय गॉड। जो सेकंड इयररिंग मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है और एक इयररिंग्स भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें कुंदन का वर्क किया हुआ है और यहाँ वाइट कलर का मोती है। इंडियन आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। और इसको मैंने मोमिता से परचेस किया है, इसका प्राइस पड़ा है मुझे 150 रुपीज़। तो नेक्स्ट जो इयररिंग मेरे पास है वो कुछ इस तरीके के है। ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चेन है, लॉन्ग चेन। और इसको भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया है, आप देख सकते हो। बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया और इसका प्राइस मुझे पड़ा है सिर्फ 90 रुपीज़। नेक्स्ट जो इयररिंग मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे एक बीट्स मिसिंग है। इसको भी मैंने मोमिता से ही परचेस किया है, मुझे बहुत पसंद आया। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है सिर्फ 70 रुपीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट इयररिंग्स है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें पीकॉक का वर्क किया हुआ है। इस तरीके का है और ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और इसका प्राइस है सिर्फ 100 रुपीज़। इसमें व्हाइट कलर का बीट्स दिया है जो मुझे बहुत पसंद आया। इंडियन आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा, तो मैं डेफिनेटली इसे पहनने वाली हूँ। नेक्स्ट जो इयररिंग मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे पर्पल कलर का बीट्स दिया हुआ है और यहाँ पे मिरर, छोटा सा मिरर है। और इसका प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़ है। मैंने इसको अपने भांजी के लिए ख़रीदा है लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गया है। देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको आप कोई भी कुर्ती के साथ पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा जाएगा। नेक्स्ट जो इयररिंग मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ग्रीन कलर का बीट्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक बीट्स दिया है जो खूब बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया है और इसका प्राइस आई थिंक 90 रुपीज़। नेक्स्ट जो इयररिंग्स है वो एक झुमका है और मेरे पास ऐसा कोई झुमका नहीं था इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। इसको मैंने शॉप तो भी मेकअप लुक में भी परचेस पहना है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। इसको भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया है। बहुत प्यारा झुमका है, गोल्डन कलर का। और इसका प्राइस पड़ा है मुझे 120 रुपीज़। नेक्स्ट जो इयररिंग्स है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे स्टोन दिया हुआ है और यहाँ पे वाइट कलर का बीट्स दिया है जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये इंडियन आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। आप इसे साड़ी के साथ पेयर कर सकते हो, कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हो।
और इसका प्राइस मुझे पड़ा है सिर्फ 70 रुपीज़। नेक्स्ट जो इयररिंग्स मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है, और ऐसा कोई इयररिंग्स मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया है, और इसका प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप इसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी कैरी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। आई थिंक ये ड्रेस के साथ भी चला जाएगा। नेक्स्ट जो इयररिंग्स मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है, इसमें भी मोर का डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे बीस्ट है जो बहुत अच्छा साउंड करता है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसको भी मैंने आई थिंक 50 रुपीज़ में ख़रीदा है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो एक झुमका है, और ये गोल्डन कलर में है, बहुत ही प्यारा झुमका है, और मैं इससे बहुत दिनों से परचेस करना चाहती थी क्योंकि मैं आप लोगों से वेडिंग सीरीज़ लेके आऊँगी और उसमें मैं बहुत ही अच्छा अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल देने की कोशिश करूँगी, तो इसके लिए मैंने इसको परचेस किया है, और इसका प्राइस सिर्फ 150 रुपीज़ है। देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट मेरे पास है फिर से एक झुमका, और ये भी गोल्डन कलर का ही है, और इसको मैंने दशमी मेकअप लुक में वेयर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक करो। और इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था आई थिंक 50 रुपीज़ में, और मैंने इसको पहना था, आप इसे साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा जाता है। मैंने इसको लाल पाट सादा साड़ी के साथ वेयर किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट मेरे पास दो नेक पीसेस है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो कुछ इस तरीके का है, और इसमें मोर का डिज़ाइन बना हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके का, और इसको मैंने 100 रुपीज़ में परचेस किया है। नेक्स्ट जो नेक पीसेस मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे मल्टी कलर वर्क किया हुआ है, उसके बाद एक बीट्स है, उसके बाद ये है और लॉन्ग चेन है, और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हो, साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जाएगा, और इसको भी मैंने 120 रुपीज़ में परचेस किया है। नेक्स्ट मेरे पास है एक फिंगर रिंग जो कुछ इस तरीके का है, मैं हाथ में पहन के दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है, और इसको मैंने 50 रुपीज़ में परचेस किया है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मेरे पास है सबसे छोटा चीज़ जो वीडियोस बनाते बनाते मैं 3 बार गुम कर दिया था मैंने, वो है कुछ ये, एक नोज पिन है, और इसको मैंने 30 रुपीज़ में परचेस किया है। उसके बाद मेरे पास है दो नथ जो कुछ इस तरीके का है, और इसको मैंने 50 रुपीज़ में खरीदा है। नेक्स्ट मेरे पास फिर से एक नथ है, वो कुछ इस तरीके का है, और एक थोड़ा सा छोटा है मेरे लिए, कुछ इस तरीके का जाएगा आपको। इसको मैंने आई थिंक 40 या 30 रुपीज़ में ख़रीदा है, मुझे पसंद है। तो सेल चल रहा था उस टाइम पे मैंने कुछ ख़रीदा है, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो साबिरी पर्ल से है, और इसमें मैंने ख़रीदा है ये इयर रिंग्स एंड मांग टीका का सेट, और इसका प्राइस मुझे अदर्स टाइम पे 599-499 दिखा रहा था, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 370 रुपीज़ में ख़रीदा है। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, देख सकते हो आप, इयर रिंग्स एंड मांग टीका, ये है मांग टीका, और जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, मुझे लगता है इस ड्रेस के साथ भी बहुत ही अच्छा जाएगा। मुझे बहुत पसंद आ गया। तो लास्ट जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो
सुकी ब्रांड से है और इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है। इसमें दो हार का सेट है, एक हार का सेट है और एक दूसरा वाला है, और इसको मैंने 250 रुपीज़ में परचेस किया है। मैं खोल के आप लोगों को दिखाती। तो हार का सेट कुछ इस तरीके का है और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर वेयर करती हूँ तो साड़ी के साथ। मैं ऐसा कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊँगी और उसमें मैं इसको वेयर करूँगी। इसमें छोटा छोटा बीट्स दिया है वाइट कलर का और इसमें पूरा स्टोन है, स्टोन का वर्क किया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ इयररिंग्स एंड मांग टीका है। जो मांग टीका है वो कुछ इस तरीके का है, छोटा वाला है लेकिन बहुत प्यारा है। और इसके साथ जो इयररिंग्स है कुछ इस तरीके का इयररिंग्स है, इसमें भी पूरा स्टोन का वर्क किया हुआ है और यहाँ पे छोटा छोटा व्हाइट कलर का बीट्स है जो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, आप इसे कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हो, आप जैसा चाहो आप वेयर कर सकते हो। तो सेकेंड जो सेट है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे स्टोन दिया हुआ है, एक दो स्टोन दिया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा एक बीट्स है और इसके भी आप वेयर कर सकते हो साड़ी के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत पसंद आया और 250 रुपीज़ में दोनों सेट बहुत ही अच्छा डील है। और इसके साथ भी इयररिंग्स एंड मांग टीका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो मांग टीका है अब वो कुछ इस तरीके का है, छोटा सा मांग टीका है लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा आप अगर आप कोई भी नॉर्मल फंक्शन में वेयर करते हो तो। और इसके साथ जो इयररिंग्स है वो भी बहुत ही प्यारा है, वो कुछ इस तरीके का है। तो यही थी मेरी ज्वेलरी हॉल। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा।